हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो देखो, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? किसके लिए पूछा? एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? कितना होता है? देखो तो देखो, हृदय का औसत वजन अगर बात करें महिलाओं में, ठीक है, तो कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है ना। और अगर पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में ग्राम से 350 ग्राम, ठीक है। महिलाओं में कितना? 250 से 300 ग्राम तक, और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किसके लिए पूछा है? एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो देखो यहां पे हमारा ए ऑप्शन देखो यहां पे है 240 ग्राम, इसमें है 255 ग्राम। तो आपको पता है हमारा ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कौन सा इसमें से सही होगा। अब देखो यहां पे है 300 और यहां पे है 390, ठीक है, तो डी भी नहीं होगा हमारा, कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा, 300 ग्राम होगा। कितना होगा? 300 ग्राम होगा। तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन देखो, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट और मोनोसाइट। तो डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है, दूसरा पॉइंट देखो इसी का, रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का
द्रव्य एक जीवित उत्तक है। मानव रक्त में, मानव रक्त में ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट व मोनोसाइट पाया जाता है। मानव रक्त में कॉन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है, ठीक है भाई। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां भी मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, यहां भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है रक्तचाप बल है, रक्तचाप बल है। तो यहां पे देखो कौन सा हमारा सही होगा। देखो अब ए ऑप्शन है यहां पे वर्टिकुलर डायस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, तो ए ऑप्शन हमारा देखो नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखते हैं, वर्टिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, यह सही होगा। नसों के अंदर नहीं होगा। रक्त नासिका की दीवार पर जो बल लगता है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही होगा। देखो रक्तचाप बल देखो रक्तचाप या रक्तदाब नसों या धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने वाला बल है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ बल उत्पन्न होता है, क्योंकि रक्त को हृदय से रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, ठीक है भाई। तो वर्टिकुलर सिस्टोल के दौरान धमनी के अंदर, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्ल लैंड स्टिनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। तो डीएनए के
पृथक्करण के लिए तो नहीं हुई। रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज बिल्कुल सही होगा। जीका विषाणु की पहचान यह भी नहीं होगा। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कार्ल लैंडस्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने इन्होंने 1901 ईस्वी में रक्त समूह है की खोज की। क्या की भाई? खोज की। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, 14 जून को उनके जन्मदिवस को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। अब देखो, मनुष्य के रक्त को 4 भागों में बांटा गया है भाई। देखो ए बी ए बी है ना, ओ ठीक है, चलो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त में, अब देखो यहां पे स्पेस है, नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स तैरते रहते हैं, है ना। तो बताओ यहां पे हमारा, देखो लार लसिका, तो लार भी नहीं होगा, लसिका भी नहीं होगा, प्लाज्मा सही हो जाएगा भी, और डी भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। कितनी होती है? 7 से 8% होती है। यह एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान बताओ कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है भाई। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है? किसका पूछा भाई? आरबीसी का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है यहां पे, शरीर की कणिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, तो ये बिल्कुल राइट सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन है ना। शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कर्षित करना, तो बी हमारा नहीं होगा। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित रूप में उत्सर्जित करना, यह भी नहीं होगा। शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना, तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं में लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। आरबीसी में हीमो नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण
रुधिर कणिकाएं क्या होती है भाई, लाल होती है। क्या होती है? लाल होती है। और मानव शरीर में आरबीसी का प्रमुख कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इनमें से हमें देखना है कि चार ऑप्शनों में से कौन सा हमारा गलत हो जाएगा। अब देखो भाई, ए ऑप्शन हमारा है रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है। बी है रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। अब देखो यहां पे क्या पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहां पे देखो सी ऑप्शन को देखो कि रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है भाई। ठीक है, तो यह कथन क्या है भाई, गलत है। ठीक है, तो गलत को हमें टिक करना था, तो यहां पे सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर में उपस्थित रक्त में श्वेत कणिकाओं द्वारा शरीर को रोगों से बचाने में मदद की जाती है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है और जिसे फेफड़ों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, तो यहां पे गलत, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम टिक करेंगे, क्योंकि पूछा क्या है भाई कि गलत कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, निम्न में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है भाई, बड़ी आंत, रक्त, हृदय या धमनिया। ठीक है, तो किसके लिए पूछा है, परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, बड़ी आंत भाई, क्या हो जाएगा, बड़ी आंत, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। परिसंचरण तंत्र अंगों का वह भाग है जो शरीर में कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है, जैसे हृदय, रक्त और धमनियां। मानव में बंद प्रकार का परिसंचरण होता है और बड़ी आंत पाचन तंत्र में सहायक अंग है, इसीलिए हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है, बताओ भाई। तो प्लेट्स, लसिका, श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, कौन सा होगा? तो यहां पे हमारा देखो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, सी लसिका भी नहीं होगा और यहां पे बी भी नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एक तरह का क्या होता है भाई, प्रोटीन, जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य भागों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है भाई, तो हीमोग्लोबिन यानी हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है, मनुष्य में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड, मेलानिन, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं, बताओ भाई। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा और हमारा सी भी नहीं होगा। अब बी और डी है, तो हमारा बी सही होगा भाई, श्वेत रक्त कणिकाएं भी नहीं होगा, कोशिकाएं, सॉरी, है ना। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन ही सही होगा।
तो यहां पे देखो, हीमोग्लोबिन मानव शरीर के अंगों एवं कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन से तात्पर्य लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटीन से है और शरीर के आयरन का लगभग 70% भाग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की कमी से शारीरिक गतिविधियों में थकान और असमता होती है और शरीर एनीमिया से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो भाई यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, हीमोग्लोबिन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव रक्त का सामान्य परिपुंचन दाब कितना होता है? कितना होता है? तो यहां पे देखो, 110 या 80, 130 और यहां पे 120। तो 120 सही होगा भाई, 130 भी नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा और 110 भी नहीं होगा। ठीक है, कितना होगा? यहां पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, 120 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखो, हृदय के संकुचन या फिर परकुंचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिर दाब कहलाता है। ठीक है, चलो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है भाई? वेन केवा, महाधमनी, वृक्कीय या फिर फुफ्फुसीय, कौन सा होगा भाई यहां पे? तो यहां पे देखो, डी हमारा नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। महाधमनी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। वेन केवा भी नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी व मुख्य धमनी होती है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है, जिसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर के उत्तकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। यह धमनी देहिक एवं फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है तथा देहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होती हुई पुनः हृदय के दाहिने आलिंद में वापस जाती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, यहां पे हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन, महाधमनी। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? अब ए ऑप्शन है 8.35 से 9.45, नहीं हुई। 5.35 से 6.45 भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में 2.35 से 4.45 भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, 7.35 से 7.45। ठीक है भाई, 7.35 से 7.45 यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। देखो मैं वापस बोल रहा हूं एक बार, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय, वह 7 से अधिक होने पर क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? क्षारीय होता है। ठीक है, और पीएच का मान 7 होने पर विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 के बीच होती है भाई, उसके मध्य होती है। तो यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? और ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सोल्व किया था भाई। ठीक है, तो अभी कितना बताया था मैंने? 7.35 से 7.45। ठीक है, अब यहां पे ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो बताओ भाई यहां से हमारा कौन सा सही होगा?
कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, तो 7.35 से 7.45। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन है 7.0 से 7.8, चलो ठीक है मैं इसको टिक करता हूँ भैया ना। उसके बाद में सी ऑप्शन देखो 6.0 से 7.0, 6.0 से 6.8 और 7.0 से 8.6। तो बताओ भाई हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। तो 7.35 से 7.45, तो यानी हमारा सही जो आंकड़ा होगा वो कौन सा होगा, हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, जो यहाँ पे हमने टिक किया ना ए ऑप्शन को, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था भाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर की पीएच रेंज जो होती है ना वो कितनी होती है, 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। तो यहाँ पे 7. कितना है, 0 से 7.8, तो बिल्कुल हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है। तो धमनी, महाशिरा, केशिका या शिरा, केशिका कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, केशिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी रुधिर कोशिका होती है, जो व्यास में 5 से 10 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। अब ए ऑप्शन यहां पे है सीरम, एमाइलेज नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन है फेब्रिनोजेन, ये सही हो जाएगा, एक एल्ब्यून में नहीं होगा, एक एल्ब्यून ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो बी और जो डी है वो सेम ही है भैया ना, दोनों सेम ही है दोनों ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, समदाब से, मैनोमीटर से, ट्रांसड्यूसर से, मरकरी कॉलम से, मरकरी कॉलम से भाई है ना, किससे, मरकरी कॉलम से, यानी हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है, ए बी ए ओ या फिर बी, कौन सा होगा, ओ होगा भाई, कौन सा होगा, ओ, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त समूह की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। ठीक है, और रक्त को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ए बी, ए बी और एक हो जाएगा ओ, कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त
रक्त समूह, रक्त समूह ए बी सर्वग्राही वर्ग होता है, अर्थात किसी किसी भी व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है, है ना। उसके बाद में रक्त समूह है ओ, सर्वदाता वर्ग होता है, सर्वदाता वर्ग होता है, अर्थात वह किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है, ठीक है। और लेकिन वह सिर्फ ओ समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है, यह ध्यान रखना भी, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, इनमें से एक कौन सा रक्त समूह है नहीं है। तो देखो रक्त समूह है कौन कौन से होते हैं, तो रक्त समूह होता है एक तो ए बी, ए बी और ओ, तो हमारा ए यहां पे सही है, ठीक है, ए बी भी सही है, तो ए हमारा सही है, ए बी भी हमारा सही है, ओ भी हमारा सही है, ठीक है। अब इसमें देखो बी नहीं है भाई, ठीक है, बी की जगह क्या है, सी है, बी की जगह क्या है इसमें, सी है, ठीक है। तो इसमें रक्त समूह है नहीं है, तो नहीं के लिए पूछ रहा है, तो यहां पे हमारा सी, सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहां पे भी है सी, तो ये सी का कोई यहां पे मतलब नहीं है, ठीक है भाई, यहां पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रक्त समूह पूछा था, तो रक्त समूह यही तो होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, सी नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है, तो बताओ भाई यहां पे कौन सा होगा हमारा। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, तो बी को हम नहीं कहेंगे, ए बी को भी नहीं कहेंगे, ए को भी नहीं कहेंगे, ओ को हम कह देंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन ही सही होगा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, वह विकल्प चुने जो सवनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा हमारा सही होगा, यानी सत्य नहीं है ना, वह विकल्प चुने जो सवनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसमें से देखना है भाई कौन सा हमारा सही होगा और कौन सा हमारा गलत होगा। अब देखो ए ऑप्शन हमारा लाल रक्त सवनी संयोजी उत्तक है, चलो ठीक है। बी ऑप्शन देखो मानव आरबीसी का जीवन काल यहां पे है 115 से 120 दिन है, चलो एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से 1.8 प्रतिशत होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सत्य नहीं है, ठीक है। देखो लाल रक्त सवनी ही संयोजी उत्तक का उदाहरण है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार से शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है, और 70 किलोग्राम के मानव शरीर में औसत 5 से 6 लीटर रुधिर होता है ना, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा भाई, कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, किसके लिए पूछा, परिसंचरण तंत्र के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा हमारा सही नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हमें सोल्व करना है। अब देखो ए ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, चलो ठीक है। अगला देखो
लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिनों की होती है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाहित प्रवाही संयोजी ऊतक है। ठीक है भाई, हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा था इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले सॉल्व भी कर लिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले स्पेच है, यानी कौन से रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो बताओ भाई वो कौन सा होगा हमारा यहाँ पे? तो लाल रक्त कणिकाएं रक्त प्लेट्स नहीं होगा भाई दोनों। ठीक है, सफेद रक्त कणिकाएं भी नहीं होगा, प्लाज्मा हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर। देखो, प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम व अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा, प्लाज्मा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सामान्य मानव रक्त है, सामान्य मानव रक्त है, बताओ भाई कौन सा हमारा सही होगा? उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या सार में परिवर्तनशील। ठीक है, थोड़ा सारी है, थोड़ा सारी होता है भाई। क्या होता है? थोड़ा सारी है। बिल्कुल हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? डी ऑप्शन। चले अगला क्वेश्चन देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त दाब होता है तो 120 और यहां पे 80, कौन से ऑप्शन में है भाई? हमारे सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी ऑप्शन है ना, तो यहां पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हृदय के संकुचन में, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? रुधिर दाब कहलाता है। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन ही सही होगा यहां पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है भाई? कौन करता है? देखो, सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त प्लेट्स और प्लाज्मा, बताओ भाई यहां पे कौन सा होगा हमारा? तो हमारा देखो ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्लाज्मा। कौन सा होगा? प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें पूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती है। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55 यानी 55% तक होता है और इसका अधिकतर अंश जल होता है। क्या होता है भाई? जल होता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाया जाने वाला, ठीक है, स्पेच है, फिर शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है भाई, बताओ। तो सफेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेट्स या प्लाज्मा, बताओ भाई कौन सा हमारा सही होगा? तो यहां पे देखो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। कौन सा होगा? लाल रक्त कोशिकाएं। देखो, लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है लेकिन भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है और आरबीसी में लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। कौन सा होगा? लाल रक्त कोशिकाएं, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो प्लेटलेट, प्लाज्मा, WBC, RBC, बताओ कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन देखो हमारा नहीं होगा,
प्लाज्मा नहीं होगा भाई, डब्ल्यूबीसी भी नहीं होगा, आरबीसी हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आरबीसी। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। पहले स्पेच है, उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो हृदय, उपकला, मांसपेशी, हड्डी। हड्डी नहीं होगा, मांसपेशी सही होगा भाई, उपकला भी नहीं होगा, हृदय भी नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, मांसपेशी हो जाएगा। मांसपेशी उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, बिल्कुल सही होगा मांसपेशी, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मांसपेशियों शरीर के विभिन्न अंतरागों को बनाने, उनके शरीर के अंदर फैलने व सिकुड़ने आदि की शक्ति उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण होती है। और पतली लंबी व संकुचनशील पेशी कोशिकाओं, जिन्हें पेशी तंतु भी कहते हैं भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है, बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। और इन पेशी तंतु के उत्तकों को पेशी उत्तक कहा जाता है। ये मांसपेशी उत्तक शरीर में रक्त वाहिकाओं के व्यास को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? क्यों की जाती है बताओ? दिल की, ए ऑप्शन है, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, बिल्कुल सही है। मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांचने के लिए नहीं भाई, रक्त की मात्रा जांचने के लिए नहीं, फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए नहीं होगा भाई, हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। मानव शरीर की पल्स दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए किया जाता है। पल्स वह दर है जिस पर दिल धड़कता है, जैसा कि दिल से रक्त पंप होता है, जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं में स्पंदन महसूस कर सकते हैं। एक वयस्क के सामान्य पल्स दर 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है। कितना? 60 से 100 मिनट की दर से धड़कता है, ठीक है भाई। यहां पे कौन सा जगह? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है? प्रति मिनट कितनी होती है, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, कितना बताया था कि 60 से 100, कितना बताया था? 60 से 100। तो 60 से 100 हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? देखो ए, सॉरी सी ऑप्शन में है। कौन से है? सी ऑप्शन में है, 60 से 100, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है किस अंग पर? तो गुर्दा, हृदय, फेफड़े या पेट? तो हृदय सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? किसके लिए पूछा? हीमोग्लोबिन के लिए पूछा है कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो निकेल देखो नहीं होती है, कॉपर भी नहीं होती है, लोहा सही होती है, जिंक भी नहीं होगी भाई। कौन सा होगा हमारा? लोहा, ठीक है, आयरन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर। चलो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, किस में पाया जाता है भाई? हड्डी में, पसीने में, रक्त में, पित्त द्रव में? रक्त में पाया जाता है भाई। कौन सा? रक्त। तो यहां पे क्या आएगा? रक्त आएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले स्पेस है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, किसमें भाई? हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन होता है, तो देखो ए ऑप्शन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन ये भी नहीं होगा, ग्लोबिन नहीं होगा, हीम बिल्कुल सही होगा, यानी हमारा डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो हीम हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलो तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है साथियों, और उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।